सो नाउ पेज नंबर 58. सो मैकेनिक. अ मैकेनिक रिपेयर्स मोटर्स मशीन एंड साइकिल एक्सेट्रा. मैकेनिक का काम क्या होता है? जो मोटर सही करते हैं, जो मशीन सही करते हैं, गाड़ियाँ जो होती हैं उनको सही करते हैं, साइकिल्स सही करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक. ही यूज टूल्स सच एज स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर, फ्रेंच एंड साइकिल पंप्स टू फिल एयर इन द साइकिल टायर्स. जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो लोग स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं, स्पैनर का यूज़ करते हैं, व्रेंच का यूज़ करते हैं एंड साइकिल के जो पंप होते हैं उनका यूज़ करते हैं. व्रेंच क्या होता है? जिससे हम नट बोल्ट को कसते हैं. ही लर्न्स दिस वर्क फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. वो ये सब कहाँ सीखते हैं? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये सारा वर्क सीखते हैं. जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये वर्क सिखाया जाता है. नेक्स्ट इज कारपेंटर. अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर, डोर्स एंड विंडोज फॉर अस. कारपेंटर कौन होता है? जो लकड़ी के से सामान बनाता है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, डोर हो गए, विंडोज हो गई हमारे लिए, वो उसको हम कारपेंटर बोलते हैं. हिज टूल्स आर हैमर, सॉ, ड्रिल मशीन, प्लेन एक्सेट्रा. उसके टूल्स क्या होते हैं कारपेंटर के? जो आरी होती है वो उसका टूल होता है, हैमर, हथौड़ी, ड्रिलिंग मशीन होती है छेद करने वाली मशीन, इस तरीके से उसके सारे टूल्स होते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस टूल ही कैन मेक स्मूथ एंड ब्यूटीफुल फर्नीचर फॉर हाउसेस. इन सब टूल्स का यूज़ करके बहुत ही सुंदर और स्मूथ, एकदम सही तरीके से, एकदम चिकने फर्नीचर बनाता है घर के लिए, ऑफिस के लिए और स्कूल के लिए. ही लर्न्स द आर्ट ऑफ द कारपेंट्री फ्रॉम हिज अंकल. वो अपना कारपेंट्री का आर्ट किससे सीखते हैं? अपने अंकल से सीखते हैं. बिसाइड्स दिस ऑक्यूपेशन देयर आर मैनी अदर अ पीपल हु वर्क हुज वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इन सभी के साथ बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं जिनमें जो लोग काम करते हैं उनका काम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे कि टीचर, टीचिंग प्रोफेशन किसका होता है? टीचर्स का. टीचर्स इन स्कूल, टीचर्स हमें स्कूल में पढ़ाते हैं. क्लाउन सेक्टर एंड म्यूजिशियन एंटरटेनर्स. क्लाउन जो जोकर और जो एक्टर्स और जो म्यूजिशियंस होते हैं वो हमारा क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं, हमें एंटरटेन करते हैं. फार्मर्स ग्रो फूड फॉर अस. फार्मर का ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग करना. फार्मर्स हमारे लिए फूड ग्रो करते हैं. मैनी पीपल वर्क इन ऑफिस एंड बैंक एंड हेल्प अस इन मैनी वेज. ऐसे ही बहुत सारे ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं और हमारी अलग अलग तरीके से मदद करते हैं. व्हेन यू ग्रो अप यू विल ऑल्सो प्रोवाइड योर सर्विस टू अदर. जब आप बड़े हो जाओगे आप भी अपनी कोई ना कोई सर्विस जॉब कर प्रोवाइड दूसरों को करोगे. ऑल दीज पीपल आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ये सारे लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. दे हेल्प अस इन डिफरेंट वे. वो हमारी अलग अलग तरीके से मदद करते हैं. वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर देयर हेल्प एंड सर्विसेज. हमें इन सबका शुक्रिया बोलना चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्प कर रहे हैं और हमें सारी सर्विस दे रहे हैं. वी शुड रिस्पेक्ट देम. और हमें इन सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आप लोग इसे रीड कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर रखने हैं. फर्स्ट वन इज़ एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. कोई भी काम मनी अर्न करने के लिए किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन बोलते हैं. सेकेंड इज़ जॉब दैट नीड स्पेशल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर कॉल्ड प्रोफेशन. और जिस भी काम में स्पेशल ट्रेनिंग और एजुकेशन लेने की ज़रूरत होती है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोफेशन बोलेंगे. जैसे डॉक्टर, टीचर, ये सब क्या हैं? प्रोफेशनल जॉब्स हैं. इसमें हमें प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन की ज़रूरत होती है. सम जॉब्स लाइक दैट ऑफ अ मैकेनिक, टेलर एंड पॉटर नीड सम स्किल्स. कुछ जॉब ऐसी होती हैं जिसमें हमें स्किल्स की ज़रूरत होती है. मैकेनिक, टेलर और पॉटर, इसमें हमें अच्छी खासी स्किल्स की ज़रूरत होती है. मतलब
हमें अपने अंदर से कुछ स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है जिसकी मदद से हम ये सब सीख पाते हैं। एम्ब्रॉयडरी इज मेड ऑन सूट्स एंड साड़ी विथ अ नीडल एंड थ्रेड। जो एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई जो की जाती है साड़ियों पर वो किसकी मदद से की जाती है, नीडल और थ्रेड की मदद से की जाती है। सर्जन इज़ अ डॉक्टर हु परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द ह्यूमन बॉडी। सर्जन कौन होता है, सर्जन भी एक डॉक्टर होता है जो कि ऑपरेशन करता है, परफॉर्म किस पर, ह्यूमन बॉडी पर करता है, जैसे कि डिफरेंट तरह की सर्जरी सर्जन करता है। ब्रॉडली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। तीन तरह के ऑक्यूपेशन होते हैं अगर हम देखा जाए तो। पहला होता है हमारा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो हमें जॉब देता है, देन उसके अंदर जो काम करते हैं एम्प्लॉयर के अंदर वो कौन होता है, एम्प्लॉय होता है। हम किसी के अंडर काम करते हैं तो हम एम्प्लॉय होते हैं, या फिर जो हमें जॉब दे रहा है या हम किसी को जॉब दे रहे हैं तो हम क्या होंगे, एम्प्लॉयर कहलाएंगे। और सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब हम खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, खुद ही काम कर रहे हैं, तो हम कौन हुए, सेल्फ एम्प्लॉयड बोले जाएंगे। तो इस तरीके से तीन तरह के डिफरेंट थ्री टाइप्स के ऑक्यूपेशन होते हैं। होप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।